नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्सा लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई, यहां तक कि वो आरोपी भी सामने आए जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के केस से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम शुमार है सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी का। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी, जिसके ऊपर सिर्फ पुलिस वालों को या फिर सुशांत के फैंस को शक नहीं बल्कि यकीन है कि अगर सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ हादसे वाले दिन सुशांत के घर पर था तो जरूर सिद्धार्थ पिठानी सच छिपा रहा है। और उस सच को छिपाने की वजह से आज एनसीबी की गिरफ्त में है सिद्धार्थ पिठानी। जी हाँ, शुरुआती वक्त से ही सिद्धार्थ पिठानी सच छिपाने की कोशिश कर रहा था, झूठ बोल रहा था। और जब सच सामने आया तो एनसीबी ने हैदराबाद से सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया। ड्रग मामले पर आज भी जेल की सजा काट रहा है सिद्धार्थ पिठानी। लेकिन आज सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक खुलासा करेंगे जिसमें सिद्धार्थ पिठानी ने चौंकाने वाला बयान दिया था। और इस बयान में सिद्धार्थ पिठानी ने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया था। आखिर क्या कहा था सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसा जिसे सुनकर सभी हो गए थे हैरान। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड के लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले के बीच अब यहां पर एक और खबर सामने आ चुकी है। तकरीबन 19 महीने का वक्त सुशांत के निधन को हो चुका है और ऐसे में सुशांत के निधन को लेकर कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई। सुशांत के निधन के बाद 19 महीने के वक्त में किसने कितनी जांच की, जांच कहां तक पहुंची, ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सवाल सभी लोगों का ये है कि आखिर सीबीआई सुशांत के मामले पर कर क्या रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से सुशांत के मामले पर एक भी अपडेट नहीं है कई महीनों से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था और सुशांत के निधन से ठीक एक हफ्ता पहले यानी कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान का निधन हुआ था। जी हां, आपको बता दें कि अब सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के निधन के केस पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल कई लोगों का मानना था कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हालांकि ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के निधन में सिर्फ एक हफ्ते का फासला है। मुंबई की एक बिल्डिंग से कूदकर दिशा सालियान का निधन हुआ और वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत का निधन फ्लैट में हुआ था, जहां पर सुशांत ने अपने हाथों से अपनी जान ली थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन केस पर जांच कर रही सीबीआई, ईडी और एनसीबी की तीनों एजेंसियां लगी हुई है। सीबीआई इस मामले पर हर पहलू से जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी का एक स्टेटमेंट सामने आया था। दरअसल इस स्टेटमेंट में सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को ये कहा था कि दिशा सालियान के निधन की खबर सुनकर सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा डर गया था और सुशांत सिंह राजपूत को जब होश आया तो सुशांत ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, एक ही शब्द बोला और वो ये था कि अब दिशा के बाद वो सब सुशांत को भी मार देंगे। सिद्धार्थ पिठानी के बयान के अनुसार 8 जून को दिशा सालियान के निधन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जिंदगी का डर सता रहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने सिद्धार्थ पिठानी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही थी। सिद्धार्थ पिठानी के इस बयान से दिशा सालियान और सुशांत के निधन के कनेक्शन का साफ सच सामने आ रहा है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत जिसने 8 जून का कोई ना कोई राज जरूर जानते थे, तभी सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जिंदगी का डर सता रहा था। खबरों की माने तो सिद्धार्थ पिठानी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अपना लैपटॉप, कैमरा और हार्ड ड्राइव ढूंढ रहा था। इसके लिए
सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को कॉल भी कर रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कोई भी कॉल पिक नहीं किया था। रिया चक्रवर्ती ने भी 8 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया था और सुशांत सिंह राजपूत का सारा सामान लेकर रिया चक्रवर्ती 8 जून को चली गई थी। इसके बाद सुशांत को डर लग रहा था कि रिया उनके सारे पासवर्ड जानती है, इसलिए वो दूसरे लोगों के साथ सुशांत सिंह राजपूत को फंसा सकती है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर पे उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से इस मामले की जांच मुंबई पुलिस, फिर पटना पुलिस और फिर सीबीआई को सौंपी गई। और सीबीआई को इस मामले को सौंपने के बाद इस मामले पर ड्रग एंगल भी सामने आया और पैसों का एक गमन की खबर भी सामने आई। यानी कि ये बात साफ होती है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को जो स्टेटमेंट दिया था, वहां पर दिशा सालियान और सुशांत के निधन का कनेक्शन तो जुड़ता ही है, लेकिन साथ ही रिया चक्रवर्ती जो पासवर्ड जानती थी और दिशा के निधन के बाद ही सुशांत का घर उसने छोड़ा था और सुशांत को डर सता रहा था कि कहीं दिशा की तरह सुशांत को भी ना मार दिया जाए, जिसका खुलासा खुद सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी के सामने किया था। और उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अकेला छोड़ दिया, सुशांत सिंह राजपूत के साथ हार्ड ड्राइव डिलीट करवाई और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के कई सामान रिया चक्रवर्ती अपने साथ ले गई थी। और सुशांत को इस बात का भी डर था कि रिया चक्रवर्ती जो सामान लेके गई है उसमें सुशांत सिंह राजपूत की कुछ पासवर्ड्स भी है, जिन पासवर्ड का सच रिया चक्रवर्ती जानती है। और ऐसे में सुशांत को डर सता रहा था कि रिया ने अगर पासवर्ड का सच किसी को बता दिया तो उन पासवर्ड्स के जरिए सुशांत और दिशा सालियान के निधन की केस का सच तो सामने आएगा ही, लेकिन साथ ही सुशांत फंस जाएगा, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत पर लग सकते हैं कई गंभीर आरोप। जी हाँ, यानी कि सुशांत को जिस बात का डर था कि उनके साथ हादसा हो सकता है, यानी कि सुशांत जानते थे कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा और वही हुआ भी। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया और यहाँ पर ये निधन को इस तरीके से सामने लोगों के सामने पेश किया गया, जिससे कि ये लगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथों से अपनी जान दी है। अब 14 जून को क्या कुछ हुआ था, ये तो सुशांत के साथ रास था जो रास चला गया। अब इस पर सीबीआई किस तरीके से जांच करेगी, सिद्धार्थ पिठानी के स्टेटमेंट को सीरियस लेते हुए क्या दिशा सालियान के केस को रीओपन करके वो सच का पता लगाएगी या फिर नहीं, ये कई सारे सवाल सीबीआई को लेकर। नेक्स्ट लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, जिसका किया हमने खुलासा और बताया सच कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी ने दिशा सालियान और सुशांत को लेकर क्या कहा था। इस बारे में आपकी राय क्या है ये बताना बिल्कुल ना भूलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए मुझे दीजिए साथ साथ, गुड बाय।